हेलो स्टूडेंट, हेयर स्टडी सीखने के बाद हम लोग आज सीखने वाले हैं पोर्ट्रेट। इसमें मैं आपको पेंसिल के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल्स में आपको जानकारी दूंगी, जिसको आप शेडिंग के लिए यूज़ करोगे। ओके स्टूडेंट, हमने ये ड्राइंग जैसे मैंने ड्राइंग सिखाया था आपको हेड स्टडी में हमने किया था, उसी तरीके से मैंने ये ड्राइंग करके रखा है। अब आज हम लोग पोर्ट्रेट सीखने जा रहे हैं पेंसिल शेडिंग में, तो इसीलिए ये ड्राइंग मैंने कर लिया है। उसके पहले, ये शेडिंग स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको ये एक बात बताने चाहती हूँ कि पेंसिल के बारे में थोड़ा सा। तो जो पेंसिल नंबर होते हैं ना, नंबर जो होते हैं, HB आपने पेंसिल देखी होगी, HB, तो B के जो पेंसिल्स होते हैं ना, 1B, 2B, 3B, ऐसे 10B तक पेंसिल आते हैं डार्क, और एच का भी ऐसे होता है 1H, 2H, तो ये होते हैं लाइटेस्ट। तो मतलब HB पेंसिल नॉर्मल हम लोग ड्राइंग के लिए यूज़ करना चाहिए, और 1B, 2B, 3B, 4B, 6B, 8B, 9B, 10B, ऐसे सारे जो पेंसिल होते हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास है। तो यहाँ पे ये जो उनका पॉइंट भी आप देखोगे ना, तो इस तरीके से ये थोड़ा थोड़ा मोटा हो जाता है। ठीक, आपको इसका जो है साइज़ आपको दिख रहा होगा, लेड का जो है थिक होता गया है। तो इस तरह से आपका जो जो पेंसिल होता है ये, तो ये डार्क डार्क हो जाता है, धीरे धीरे डार्क हो जाता है। यहाँ पे ये पेंसिलों के ऊपर यहाँ पे नंबर भी आपको लिखे हुए मिलेंगे, तो आप इस तरह से इसको बाय कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इन पेंसिल का यूज़ करके हम लोग आज का शेडिंग करने वाले हैं। और हाँ, ये आपको डाउट पड़ा होगा भी कि ये एच के पेंसिल का क्या, तो ये नॉर्मली हम लोग स्केचिंग के लिए यूज़ करते हैं, शेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, आर्टिस्ट लोग यूज़ करते हैं। और ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये भी कमर्शियल आर्टिस्ट वाले जो होते हैं वो, आर्किटेक्चर लोग, इंटीरियर डेकोरेटर लोग, उनको लाइट पेंसिल और हार्ड पेंसिल, उनका पेपर अलग होता है, तो उसके लिए ये उनके लिए बनाया हुआ पेंसिल है। ये हार्ड होता है, वो अगर आप इस पेपर पे यूज़ करोगे तो आपका पेपर फट जाएगा, तो इसलिए ये ड्राइंग के लिए नहीं यूज़ होता है। यहाँ से मतलब ये सबसे लाइटेस्ट पेंसिल, आप लाइटेस्ट पेंसिल ये भी बोल सकते हैं, और फिर डार्केस्ट पेंसिल ऐसे हैं, और इससे डार्केस्ट मतलब चारकोल पेंसिल ऐसे आप बोल सकते हैं। ओके, तो चलो फिर अभी पोर्ट्रेट शुरू करते हैं। पेंसिल में शेडिंग का काम करते वक्त आपको हमेशा याद रखना है कि हमें लाइट टू डार्क जाना होता है। लाइट का पोर्शन जो भी हाईलाइट है उसमें हमें उसको छोड़ के हम लोग शेडिंग कर लेंगे पहले, तो हमें पता है कि यहाँ पे सारा डार्क टोन है, तो ये हम लोग पहले फिल अप करेंगे। देखो यहाँ पे मेरा छूट गया था, लेकिन उसी एंगल से करने से
वो बिल्कुल भी अलग नहीं दिखेगा आपको। तो आपने जो भी एंगल पकड़ा है उसी एंगल से आपको पूरा एक शेड या मीडियम जो भी टोन आपको फिलअप करना है तो आपको इसी तरीके से करना है। आपका पेंसिल का एंगल नहीं चेंज होना चाहिए। तो अभी नाक के दूसरे साइड में भी आपने देखा था कि ये आईज़ का पोर्शन भी डार्क में चला जाता है, तो यहाँ पे हम लोग एक शेड भर लेंगे और नाक के दोनों तरफ भी ये वाला पोर्शन इस तरह से हम लोग शेड फिलअप करेंगे। नोज़ के नीचे के पार्ट में भी हम लोग शेड फिल करेंगे। यहाँ पे एक पार्ट में हम लोग कर सकते हैं नोज़ के बीच में यहाँ पे, और लिप का पोर्शन यहाँ से ये पूरा हम लोग शेड में डालेंगे। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये मैंने एक लाइट टोन भर लिया है, लाइट टोन मैंने यहाँ पे फिलअप कर लिया है। अब और कहाँ कहाँ पे आएगा ये लाइट टोन, तो आईब्रोज के नीचे और आँखों के बीच में यहाँ पे आपका ये लाइट टोन आ सकता है। तो इतना ज़्यादा पोर्शन आपका लाइट टोन में आएगा। ये जो पार्ट है यहाँ पे सारे लाइट एकदम ज़्यादा लाइट पड़ेंगे, और इसको हम लोग बाद में थोड़ा मर्ज करेंगे। और फिर भी यहाँ पे ये जो आँखों के नीचे का जो स्किन होता है यहाँ पे भी आप इस तरीके से अभी कर सकते हैं इस तरह से। अब ये वाला लाइट पोर्शन हमने फिलअप कर लिया, हम लोग नेक को भी कर लेते हैं। नेक का सारा पोर्शन शेड में चला जाएगा, फिर थोड़ा सा फिलअप कर लेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक आप कॉटन ले सकते हैं, लेकिन क्लीन होना चाहिए। अगर ये ख़राब रहेगा या कलर लगा हुआ रहेगा तो ये आपका स्केच को ख़राब कर सकता है। तो इसको हम लोग इस तरह से मर्ज कर रहे हैं, देखो। जो लाइन लाइन दिख रहा था वो भी नहीं दिखेगा। यहाँ पे जो छोटा छोटा पार्ट है उसको आपको ज़रा संभाल कर करना पड़ेगा। इस तरह से हमने इसको कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद ये इतना भी वाइट नहीं दिखता है फेस पर हमें, तो ये जो हमें पेपर पे जो कार्बन मिला है उससे हम लोग ये जो वाइट वाला पोर्शन है उसको भी थोड़ा सा कम करेंगे। वाइट आँखों में रहने दीजिए और नोज़ पर रहने दीजिए। गाल का थोड़ा सा हमें मर्ज करना है। सबसे हाईलाइट मतलब ग्लास के ऊपर के जैसा हमें सिर्फ नोज़ पर मिलता है और आँखों पर, तो इसलिए हमें बाकी का पोर्शन जो है सारा मर्ज कर लेना है थोड़ा सा इस तरह से। तो इतना लाइट हमारे लिए काफ़ी है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग धीरे धीरे इसको डार्कनेस जो है बढ़ाते जाएंगे। मैंने 4B लिया था, अभी मैं 8B ले रही हूँ।
तो 8B से क्या करेंगे हम लोग, याद रखना है आपको कि आपने यहाँ पे एक डार्क टोन दिया था। अभी देखिए यहाँ पे हमें डार्क टोन देना है, पूरा भी दिया तो भी चलेगा। कान के ये वाले पोर्शन को छोड़ के हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। लिप के नीचे का पोर्शन जो था हमारा डार्क था, और इतना हमें फिलअप करना है। ओके, और यहाँ पे जैसे हमने हेड स्टडी में किया था वैसे ही कर रही हूँ मैं, आप देख रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा आँखों के बीच में यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डार्क बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो स्किन है आईज़ के ऊपर का शटर जो है उसके ऊपर नहीं देंगे, यहाँ पे देंगे उस शटर को हम लोग मर्ज करेंगे सिर्फ। नोज के नीचे हम लोग बढ़ा सकते हैं डार्क टोन, इस तरह से हमने किया था ना, वही इस पार्ट में डार्क कर रही हूँ। और लिप को भी हम लोग कर सकते हैं, ऊपर का लिप हमें पूरा डार्क में डालना है, नीचे के लिप के बारे में बाद में बात करेंगे। इतना भर लिया हमने, इतना फिल अप कर लिया है हमने। अब फिर से हम लोग कॉटन लेंगे, आप टिश्यू पेपर के साथ भी कर सकते हैं, और इसको फिर हम लोग थोड़ा सा हल्के हाथ से आपको करना है, बहुत ज़्यादा मर्ज नहीं करना है। देखिए बहुत बहुत ही संभाल कर आपको करना है इसको। नोज़ के यहाँ पे इसको मर्ज करना है, नोज़ के नीचे का पार्ट भी आप इस तरह से टर्न कर सकते हैं। लिप को मर्ज किया, मतलब आपका जो शेडिंग करते वक्त जो लाइन लाइन लग रहा था ना, वो आपका मर्ज होगा। इतना सॉफ्ट पेंसिल रहता है ना, ये आराम के साथ मर्ज हो जाता है इस तरह से। ओके, तो अभी आप देख रहे हैं कि ये अच्छे से मर्ज हो गया। अभी ये जो मैंने पोर्शन बताए थे आपको शेड एंड लाइट के, तो इतने कट्स हमारे फेस पे एक्चुअल में दिखते नहीं हैं, मतलब रियल में हम लोग जब देखते हैं तो इतने सारे कट्स देखते नहीं हैं, लेकिन ये होते हैं। फेस का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, लेकिन वो मसल की वजह से इतने दिखते नहीं हैं, तो इसलिए हमें भी इसको ऐसे मर्ज करना है। अभी नाक के नीचे हमारा ये जो है गाल का पोर्शन इस तरह से होता है, तो इसको भी हम लोग इस तरह से आप मर्ज करोगे तो ये बहुत ही आराम से, और आपके जो चिक है उसको बहुत ही अच्छे से उभर कर लाएंगे। ओके, तो यहाँ पे नोज़ के नीचे का वाला जो पोर्शन है उसको भी इस तरह से राउंड करके हम लोग मर्ज करेंगे। सिर्फ ये जो कट्स था उसको हम लोग मर्ज कर रहे हैं ताकि ये ऐसे उभर कर ऊपर आए। अब ये जो फोरहेड है उसको भी, बालों के साइड साइड से भी थोड़ा सा राउंड लिटी होता है, तो उसको इस तरह से हम लोग मर्ज करके छोड़ देंगे। देखिए कितना मस्त लग रहा है, पोर्ट्रेट आपका बहुत ही डिटेल में उभर कर आ रहा है, आप देख रहे हैं। अब इसके बाद हमारा और भी एक डार्क टोन था यहाँ पे, तो उसके लिए हम लोग 10B यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा 10B को आपको डार्क नहीं करना है। ये जो डार्क पोर्शन था उसमें हम लोग थोड़ा सा साइड साइड से हल्के हाथ से थोड़ा सा डार्क बढ़ाना है, ताकि आपके फेस को और भी ज़्यादा 3D लुक आए। यहाँ पे था ये वाला पोर्शन, इतना बस। अभी इसको भी हम लोग थोड़ा मर्ज करेंगे,
देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डार्क टोन का काम करना है, जैसे कि आईब्रोज, आईबॉल, ओके, लिप रह गया हमारा, तो उसको हम लोग इससे ही थोड़ा सा शेड दे देंगे। ओके, हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो आईज का जो पार्ट है उसको क्लीन करेंगे, जो भी आँखों के अंदर जो शेड का पार्ट आया है, एकदम कट टू कट भी नहीं है, आपको उसको रफ करना है देखिए। और शेडिंग के ऊपर कभी हाथ भी नहीं दिल लगाना है हमें, क्योंकि शेडिंग का जो पाउडर है, लेड का जो पाउडर होता है कार्बन, हमारे हाथ में लग जाता है और ये ख़राब होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस तरह से आपको उसको क्लीन करना है अगर इरेज करने के बाद। तो यहाँ पे अभी डार्क टोन का काम करेंगे हम, फाइनल वाला। यहाँ पे देखिए ये आईब्रोज, आईब्रोज इनको भी हमें लास्ट में मर्ज कर लेना है। यहाँ पे एकदम चिपकाया हुआ है आईब्रोज, स्टिक किया हुआ नहीं लगना चाहिए, इसलिए ये इस तरह से मर्जिंग ज़रूरी है। तो ये जो शटर स्किन जो है आँखों का, ये जो नीचे होता है तो उसके ऊपर लैशेस, आई लैशेस होते हैं, तो इस ऊपर के लाइन को हमें डार्क करके इस तरह से मर्ज करना है। अब ये हाईलाइट छोड़ना है हमें, इस तरह से आप डार्क पेंसिल से थोड़े डिटेल्स बढ़ा सकते हैं। मैं आँखों के थोड़े से ये साइड में शेड
सिर्फ थोड़ा सा फिंगर से हम लोग मर्ज करेंगे ताकि ये जो वाइट पोर्शन है एकदम ब्राइट नहीं दिखना चाहिए। इसलिए अब हम लोग जहाँ पे भी हाईलाइट की ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ पे फोरहेड आईब्रोज के ऊपर, वहाँ पे हम लोग इस तरह से आईब्रोज मतलब हेड हाईलाइट का काम कर सकते हैं इरेजर से। तो और कहाँ पे, यहाँ पे जो स्किन ऊपर नीचे होती है, यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा पोर्ट्रेट रेडी हो जाता है। बालों के लिए भी आप जिस डायरेक्शन में बाल टर्न हुए हैं वो पहले आपको डायरेक्शन दे के लेनी है हेयर को। इस तरह से तो इसी डायरेक्शन में आपका रेड रिंग होना चाहिए। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 10 भी यूज़ किया है क्योंकि हेयर है तो डार्क ही है। तो इस तरह से हमने इसको फिल अप किया।